आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगी 1 वीक का फ्री डाइट प्लान। आप मेरे पास जब मुझे इंस्टाग्राम, जो कि मेरी आईडी है आमना खान फिटनेस, उसके ऊपर मैसेज करती हैं, या टिकटॉक पे, यूट्यूब, स्नैप वीडियो पे, जहां भी आप मैसेज करती हैं, आप कहती हैं कि प्लीज हमें कोई फ्री डाइट प्लान दे दें, कुछ तो बता दें, आपकी ई बुक बहुत एक्सपेंसिव है या मैं अफोर्ड नहीं कर सकती या मैं ई बुक फिलहाल नहीं ले सकती, तो आपके लिए ये वीडियो है स्पेशली कि अगर आपको फ्री डाइट प्लान चाहिए, आप देखना चाहती हैं कि आप अपने साथ कमिट कर सकती हैं, फैट लॉस कर सकती हैं इसके थ्रू या नहीं कर सकती। वैसे मैं आपको एक बात बता दूँ, 7 डेज में आपको सिर्फ लाइट लाइट सा फील होगा। फैट जो लॉस होता है वो 3 मंथ्स में या 6 मंथ्स में होता है, लेकिन आपको, क्योंकि ये आपकी ख्वाहिश है, तो आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू कि फ्री डाइट प्लान 1 वीक की गाइडेंस क्या है। वर्कआउट भी मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूंगी और डाइट प्लान भी मैं डाल दूंगी ऑन योर रिक्वेस्ट ऑनली। सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी है, और जो डाइट प्लान इस वीडियो के नीचे मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप जाके वो डाउनलोड कर सकती हैं, वहाँ पर फ्री डाइट प्लान है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले कुछ चीज़ें समझनी है कि आपकी डाइट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्यों है, और फिर आप उसको फॉलो कर सकती हैं। छोटी सी वीडियो है, लेट्स स्टार्ट विद आवर डाइट प्लान। फॉलो करने के बाद आप ये डिसाइड अप कर लें, क्योंकि ये जस्ट एक फ्री डाइट प्लान और फ्री वर्कआउट प्लान मैं आपको बता रही हूँ। आप डिसाइड अप कर लें कि ई बुक के अंदर कितने हद तक मैंने आपको कितनी फिट किस्म की करके ट्रेनिंग दी हुई होगी, हर चीज आपको पता होगी उसके अंदर। तो आप डिसाइड अप कर लें, आप मेरी वेबसाइट www.amnakhanfitness.com के ऊपर जाके फौरन अपना ऑर्डर प्लेस करके अपनी ई बुक ले सकती हैं। लेकिन अगर आपको चेक करना है कि कितनी इजी डाइट प्लान है, आप कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, आप कमिटमेंट कर सकती हैं 3 मंथ्स की या नहीं, तो आप फिर इस वीडियो को देखें। फ्री डाइट प्लान में, हाँ जी, अब आप देखें कि ब्रेकफास्ट आपको कुछ, मैं याद रखिएगा कि ये फ्री डाइट प्लान है, तो मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें इसमें बताने वाली हूँ जो आपके लिए ज़रूरी हैं, और ये 1 हफ्ते का डाइट प्लान है, इसको ज़्यादा आपने फॉलो नहीं करना। ये ना हो कि आप 1 महीना इसको पूरा फॉलो करते रहे। याद रखिए कि इसमें मैं आपको कुछ चीज़ों का बता रही हूँ और आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कितना ईजी है फैट लॉस करना, कितनी ईजी आपकी डाइट होती है, और आप इसको कितने आसानी से फॉलो कर सकती हैं। कोई महंगी चीज़ें नहीं है, कोई एक्सपेंसिव डाइट नहीं है, कोई टाइम नहीं है। तो सबसे पहले गौर से सुने, ब्रेकफास्ट में आपने 2 एग्स लेने विदाउट योग। अगर आप चाहें तो जर्दी ले सकती हैं, लेकिन मैं बोलूंगी कि ना लें, क्योंकि फैट्स की रेशियो आपकी डाइट में ज्यादा हो जाएगी। और 1 कप आपने जी दूध का लेना है, ठीक है। ये सिर्फ फ्री डाइट प्लान है, जो ई बुक के अंदर प्रॉपर ट्रेनिंग है वो बहुत अलग है, क्योंकि उसमें आपको हर चीज प्रॉपरली गाइड की जाती है, एक एक चीज बताई जाती है। तो ये सिर्फ आपके समझने के लिए और आपके लिए ये सुनना जरूरी है। लंच में आप देखें 1 रोटी है, देखें वही चीजें नॉर्मल जो हम दिन में खाते पीते हैं, बस उसमें थोड़ी सी जो है ना आपकी स्ट्रैटेजी चेंज है, जो कि मैं आपको बताऊंगी कि स्ट्रैटेजी आपकी क्या होती है जिसके थ्रू आप फैट लॉस करते हैं डाइट में, ठीक है। इस वीडियो के नीचे आपके पास डाइट प्लान डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ उसको ओपन करेंगे, आपको फ्री डाइट प्लान और फ्री वर्कआउट प्लान मिल जाएगा। फ्री वर्कआउट प्लान के साथ लिंक होगा, वो भी आप खोलेंगी तो आप मेरी उस वीडियो पर पहुँच जाएंगी और आप रोजाना 1 हफ्ते तक कर सकती हैं। अब आप लंच को देखें, 1 रोटी, ठीक है, पूरी रोटी लें, चाहे वो तंदूर की हो या घर की हो, और साथ में आपने 1 आलू लेना है। अब ये जो आलू आपने लेना है, ये आप फ्राई भी कर सकती हैं, या बेक भी कर सकती हैं, आप स्टीम भी कर सकती हैं, लेकिन अगर आप फ्राई कर रही हैं तो हमेशा याद रखें ऑलिव ऑयल में आपने करना है, ज़्यादा नहीं, बस 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल में आपने फ्राई करना है। डीप फ्राई तो ऑब्वियसली नहीं करना, आप फैट लॉस करने की कोशिश कर रही हैं। ये मैसेज जब क्लाइंट्स पूछते हैं, ये फजूल सवाल है, डीप फ्राई नहीं करना आपने, ठीक है, फैट्स की रेशो बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना। अच्छा, मैं आपको डांट नहीं रही, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, फैट्स की रेशो बहुत ज़्यादा हो जाती है ना आपकी फिर डाइट के अंदर, यहाँ पर भी आप फैट्स ले रहे हैं। ये देखें, ये मैंने आपको स्ट्रैटेजी अभी मैं बताऊँगी, फैट्स का, कार्ब्स और प्रोटीन्स। तो पहले आप समझ लें कि आपकी, ये मैं मंडे की आपको बता रही हूँ, इसी तरह ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, आपकी सैटरडे जो है ना, वो आगे डिफरेंट चीज़ें मज़े की आपको खाने के लिए दी हैं पूरे वीक के अंदर, ठीक है। फिर आपके पास जो है ना चिकन टिक्का, चेस्ट पीस, ज़रूरी नहीं है कि आप टिक्का, मैंने वैसे ही बता दिया क्योंकि हम पाकिस्तानी इंडियन जो होते हैं, हमें मसाले मिर्चें बड़ी पसंद होती हैं, तो हम तो सोच भी नहीं सकते उसके बगैर अपनी डाइट करना। तो या तो आप चिकन टिक्का ले लें मसालेदार सा, या फिर आप जो है ना चिकन को किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, चेस्ट पीस चिकन टिक्का का अगर लेना चाहती हैं तो वो लें, सबसे बेनिफिशियल, सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स, ये देखें प्रोटीन आपके पास चिकन टिक्का में होंगे, ठीक है। तो आप चिकन को किसी भी तरीके से बना के ले सकती हैं, स्टीम करें, आप उसका थोड़ा बहुत सालन बनाना चाहती हैं, याद रखें सालन बनाना चाहती हैं तो ऑलिव ऑयल में, और आपको आपके 1 दिन में अलाव है 1 या 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल, इससे ज़्यादा आपको अलाव नहीं है, तो जो भी आपने बनाना है देख के बनाइएगा।
फिर आपके पास डिनर में एक बाउल योगर्ट। अब बाउल की जो क्वांटिटी ना वो आपकी मर्जी से, छोटा ले लें बड़े ले लें जिसमें आपका पेट भर जाए, लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि आपने साथ में इसके सिर्फ एक बाउल योगर्ट यानी कि दही नहीं है, साथ में वेजिटेबल्स और चना चाट भी, तो इतनी जगह रखिएगा कि ये दोनों चीज़ें नहीं आपकी इसी मील में पूरी आए, ये ना आप दही लेते रहें और ये बाकी चीज़ें ना लें या बाद में खाएं। जो एक मील ली हुई है उसी टाइम पे खानी है, बेशक इसकी क्वांटिटी कम करें लेकिन खानी आपने सारी चीज़ें हैं जो दी हुई है एक ही दफ़ा में। तो डिनर जो है ना ये बाउल, वन बाउल योगर्ट और वेजिटेबल सलाद। अब वेजिटेबल्स को आप किसी भी तरीके से ले सकती हैं, बना के ले लें सलाद, आप रॉ ले लें मतलब कि ऐसी सब्जियां काट के, और वेजी सलाद का मतलब है कि सारी वेजिटेबल्स, सिर्फ खीरा प्याज और टमाटर नहीं, फ्राइड बीन है आपके पास, गोभी है, बंद गोभी है आपके पास, मटर है, पालक है, जितनी लेटस है, आइसबर्ग है, जितनी ग्रीन सब्जियों का सैलड आप बना सकती हैं आपने वो लेनी है, और साथ में उसके चना चाट। तो अमूमन क्लाइंट्स क्या करती हैं या मैं क्या करती हूँ, मैं चना चाट के अंदर ही वेजिटेबल्स डाल देती हूँ, या फिर मैं चना चाट, दही और वेजिटेबल्स इन तीनों को मिक्स करके ना खा लेती हूँ। अब वो आपकी मर्जी है, बी क्रिएटिव, आपने अपनी मर्जी से डाइट करनी है, मज़े मज़े की रेसिपीज बनानी है, तो ये आप इसको जो है ना वो कर सकती हैं। फिर आपके सोने से पहले आपने क्या करना है, अब आप क्योंकि एक वीक के डाइट प्लान के ऊपर है तो मैंने आपको ग्रीन टी जो है ना वो ज़्यादा नहीं दिया है, जबकि आप ई बुक के अंदर जाते हैं तो वो चीज़ें काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि वो एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो फ्री ट्रेनिंग नहीं है, ठीक है, पेड ट्रेनिंग है। बिफोर स्लीप जो है ना 1 आवर आपको ग्रीन टी लेनी है, या अगर आप कहती हैं कि आमना ये डाइट में मुझे बहुत वीकनेस हो रही है, मेरे से नहीं मतलब ये फॉलो हो पा रही एक वीक की जो आपने दी है, तो फिर आप एक कप मिल्क लेंगी इफ़ फील वीक। अगर आपको वीकनेस फील हो रही है तो आप एक कप दूध का रात को सोने से पहले ले लें, नहीं अगर आपको वीकनेस फील हो रही है तो रोज़ रात को सोने से 1 घंटा पहले आपने ग्रीन टी लेनी है, ठीक है, और ये बहुत एक जनरल डाइट प्लान है। फिर आपने जो स्नैक्स, अब ये देखें ये स्नैक्स मैंने क्यों लिखे हैं यहाँ पे, इसकी बारी कब आती है आपके, आपने स्नैक्स के अंदर फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स लेने। लेट्स सपोज के हर बंदा एक जैसा नहीं होता, आपको ये सारा खाने पीने के बाद भी भूख लगती है, रात को आप जागते हैं, आपकी रूटीन ऐसी है इस पूरे एक वीक में कि आपको भूख लग रही है, तो उस केस में आपने फिर स्नैक्स लेने हैं। अगर नहीं भूख लगती तो स्नैक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहते हैं तो ले सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा खाने का दिल कर रहा है तो आप ले लें फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स। फ्रूट्स आपने लेने जो है वो मैंगो को छोड़ के कोई भी आप फ्रूट्स ले सकती हैं, 2 केले ले लें, वाटरमेलन ले लें, और उसकी क्वांटिटी आपको अपने हिसाब से करनी है, ठीक है, ये नहीं कि आपको मैं क्वांटिटी नहीं बता रही क्योंकि पोर्शन कंट्रोल में आपने जाना ही नहीं है। फ्रूट्स आपने ले लिए और फिर ड्राई फ्रूट्स, अगर आपने फ्रूट्स नहीं लिए तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ ले लें, ड्राई फ्रूट्स ले लें, ड्राई फ्रूट्स किशमिश के अलावा, ठीक है, और आपने ड्राई फ्रूट्स जो लेने हैं वो एक मुट्ठी इतनी जितनी आपकी एक हाथ की फिस्ट बनती है ना, ये आपने इतने ड्राई फ्रूट्स आपने लेने हैं स्नैक्स के अंदर। फिर आपकी आ जाती है कि अच्छा ठीक है ये पूरा हफ्ता आपको कोई बाहर जाके खाना पड़ता है, फ्रेंड्स के साथ डिनर है, कलीग्स के साथ डिनर है, फैमिली की गैदरिंग है, दावत है, कुछ भी है, दिवाली है, जो भी है, ठीक है, तो आपने डाइनिंग आउट में क्या करना है इस पूरे एक वीक में आपने क्या करना है, आप डाइनिंग आउट में जो है ना वो स्टेक्स ले सकती हैं बिना सॉस के, ठीक है, वो आपकी एक प्रॉपर मील हो जाती है, या आप वो ले सकती हैं स्पेगेटीज ले सकती हैं, ठीक है, बाहर से ही ऑर्डर करा सकती हैं, या फिर आप ब्राउन ब्रेड का सैंडविच, ठीक है, ब्राउन ब्रेड का जो सैंडविच मिलता है, पनीनी मिलती है बाहर से, वो ले सकती हैं, या फिर आप चिकन टिक्का सलाद और साथ में एक जो नान होता है बाहर जाके आप ये खा सकती हैं। दावत पे आप दही खा लें, सब्जियां खा लें, चिकन खा लें, हर दावत पे दही सलाद चिकन ये चीज़ें मौजूद होती हैं, तो आपने ये सिलेक्शन कर लेनी है, ठीक है, आपके डाइट प्लान के अंदर भी मैंने बताया होगा, नोट पे नीचे जाके आप पढ़ेंगी कि वहाँ पर आपके पास जो है ना डाइनिंग आउट में क्या ऑप्शन है, तो यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आखिरी चीज़, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, आखिरी चीज़ जो आपको समझनी है क्योंकि ये आपकी ख्वाहिश में वीडियो बन रही है, तो प्रोटीन फैट्स और कार्ब्स ये चीज़ आपको समझनी है। जब आप कोई भी डाइट फॉलो करते हैं अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हुए आपको फैट लॉस करना है, ऐसे नहीं कि अन्य वाह बस आपने शिटी डाइट प्लान्स फॉलो करना शुरू कर दी, हेल्दी ईटिंग में वो शुमार नहीं हो रहा, आपके मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है जिनकी, ठीक है, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके पूरे नहीं, आप डाइट फॉलो करना शुरू हो गए, ये जो है ना मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्रोटीन फैट्स और कार्ब्स, ठीक है, आपको ये अपनी डाइट के अंदर पूरे करने हैं। अब आप देखें कि ये क्या ये पूरे होते हैं, प्रोटीन आपको आप नेट पे सर्च कर लेगा कि किन चीज़ों से मिलती है, फैट्स अब सारी चीज़ें मैं तो नहीं आपको बताऊंगी ना, कुछ खुद भी कर लें, कार्ब्स आपको किन चीज़ों से मिलते हैं, फैट्स आपको किन चीज़ों से मिलते हैं, अब आप चेक करें ये समझने के बाद कि प्रोटीन जो है वो क्या आपको मिल रही है डाइट में,
एग्स में आपके पास प्रोटीन आ गई, दूध में होगी जी, टिक हो गया, ये मिल रही है आपको, आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे हो रहे हैं, फैट्स आपको मिल रहे हैं डाइट के अंदर, ये जो है ना, ये आलू के अंदर फैट्स होते हैं, रोटी के अंदर फैट्स होते हैं, चिकन के अंदर इवन फैट्स होते हैं, तो ये भी आपका टिक हो गया। अब आप देखिए कार्ब्स जो है यहाँ पर भी मतलब ये टिक ही है, जब आप चेक करेंगे प्रोटीन कार्ब्स और फैट्स में आपको किन किन चीजों में मिलते हैं, तो ये इन सब जगह पे टिक है। अब आप देखिए कार्ब्स आपकी डाइट में पूरे हो रहे हैं, ये देखिए रोटी के अंदर जो है ना वो कार्ब्स होते हैं, ये टिक हो गया, दूध के अंदर आपके कार्ब्स होते हैं, ये टिक हो गया, चनों के अंदर आपके कार्ब्स होते हैं, ये टिक हो गया, दही में भी आपके थोड़े से कार्ब्स होते हैं, ये टिक हो गया, फिर आपके पास जो है ये इसमें ड्राई फ्रूट्स में थोड़े से होते हैं, ये आपका टिक हो गया। तो ये आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे हो रहे हैं, इसका मतलब अभी आपके लिए डाइट प्लान परफेक्ट है, फिट है, हेल्दी है, आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगी। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, फ्री डाइट प्लान आपकी फरमाइश पे अपने आप को चेक करें और फिर ईबुक को लें। अगर आप रेडी नहीं हैं, गुड लक।